विशाखापट्टनम के बाद अब छत्तीसगढ़ की पेपर मिल में गैस लीक, 7 मजदूर झुलसे। विशाखापट्टनम गैस लीक में 2 बच्चों समेत 11 लोगों की मौत, लगभग 1000 लोग अस्पताल में भर्ती। सीएम जगन ने किया 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान। आंध्र गैस लीक मामले में पीएम मोदी ने बुलाई एनडीएमए की बैठक। एनडीआरएफ के डायरेक्टर जनरल ने कहा, एनडीआरएफ की विशेष टीम एक्सीडेंट साइट पर तब तक बनी रहेगी जब तक लीकेज को पूरी तरह से नहीं रोक दिया जाता। देश में कोरोना वायरस से 15,000 से ज्यादा लोग हुए ठीक, 1793 लोगों की गई जान, संक्रमितों की संख्या 52,000 पार। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, जून जुलाई में आएगा कोरोना के मामलों का पीक, ये लंबी लड़ाई है। कोरोना वायरस की वजह से 2 बीएसएफ जवानों की मौत, 41 नए मामले आए सामने, कुल 191 संक्रमित। सीएम योगी ने फिर की श्रमिकों से अपील, कहा कोई पैदल घर ना आए, हम सबको लेकर आएंगे। साथ ही प्रशासन से हर श्रमिक को नौकरी या रोजगार दिलाने की तैयारी करने को कहा। भारतीयों को लाने की कवायद तेज, मालदीव में फंसे भारतीयों को लाने के लिए माले पोर्ट में दाखिल हुआ आईएनएक्स जलाश्व। दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद गिरावट पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 242 अंक और निफ्टी 71 अंक के स्तर पर हुआ बंद। SBI ने होम लोन किया सस्ता, अब 7.25% पर आ गई ब्याज दर, नई दरें 10 मई से होंगी लागू। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।